नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास में चैप्टर नंबर 3 अतिलघुउत्तरी प्रश्न का आंसर हम लोग करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमारा है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। क्या बोल रहा है प्रश्न? एक तरफा अनुबंध, अनुबंध का मतलब यहाँ पे होता है ठेका, यानी कि ये ठेका जिस तरह से हम लोग किसी भी मकान को बनाने के लिए ठेका पर देते हैं, तो वह व्यवस्था कैसा था, यानी वह ठेका कैसा था, आप लोगों को बताना है। आप लोग पढ़े होंगे तो जान भी रहे होंगे। चलिए हम आपको समझाते हैं। तो इसको हम लोग समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हम ये कवर किए हैं, इसी पॉइंट से हमारा आंसर निकलेगा। तो चलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ से निकलता है, यह व्यवस्था मतलब कौन व्यवस्था, अनुबंध व्यवस्था, ठेका व्यवस्था जिसको आप कह सकते हैं, यह व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। क्या थी? बंधुआ, यानी कि एक तरह से कहें कि वह बंधिक बनाकर उससे काम करवाया जाता था। बंधुआ का मतलब क्या हुआ? बंध मतलब उसके अधिकार में, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। यह व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह व्यवस्था का सारा अधिकार मिल मालिक को होता था, यानी कि ठेकेदार को होता था, ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे, इस व्यवस्था में मजदूर का कोई भी अधिकार नहीं होता था, यानी कि मजदूर का कोई भी अधिकार नहीं होता था, सारा मतलब जिस तरह से मालिक आपको बोलेगा उसी तरह से आपको काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मजदूर से जबरदस्ती काम करवाया जाता था, यानी कि क्या किया, मिल मालिक क्या करता था कि मजदूर से जबरदस्ती काम भी करवाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मजदूर को काम नहीं करने पर उन्हें दंड और जेल भी भेजा जाता था, मतलब मजदूर काम करने में नकार रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसे क्या किया जाता था, दंड भी दिया जाता था, यानी उसके साथ मारपीट किया जाता था, तथा क्या, जेल भी भेज दिया जाता था। अब चलिए इसको हम लोग आंसर किस तरह से लिखेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे आंसर आया हुआ है, आप पहले समझ लें फिर वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। देखिए हम लोग आंसर यहाँ पे लिखें, उत्तर, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। क्या थी? बंधुआ मजदूरी थी। इसमें सारा अधिकार मिल मालिक को प्राप्त था, यानी मिल मालिक को होता था, इसमें मजदूर का कोई भी अधिकार नहीं होता था, समझ रहे होंगे, और उन्हें काम नहीं करने पर दंड दिया जाता था, तथा जेल भी दिया जाता था, यानी भेज दिया जाता था। इतना आप लिखेंगे आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है, बिल्कुल सटीक जवाब यही है, आप इसे याद कर लेंगे, बिल्कुल याद भी हो गया होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 2 में हमारा बोल रहा है, बाओदाई कौन था, आपको बताना है बाओदाई के बारे में, बाओदाई कौन था, क्या था, मतलब क्या करता था, कैसा था, वो आपको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के द्वारा इनके मतलब ये कौन थे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है, या तो आप जान भी रहे होंगे कि बाओदाई हिन चीन के अन्नाम का शासक था। कहाँ का शासक था? हिन चीन के अन्नाम का एक शासक था, इतना तो आपको पता ही होगा। ये पहला पॉइंट हुआ, पॉइंट को पहले देखेंगे उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट बनता है, बाओदाई साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना नहीं चाहता था। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या बना, बाओदाई साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना नहीं चाहता था, कौन? बाओदाई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया, मतलब जिस पद पे वो था वो क्या किया, 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया, जिससे क्या हुआ कि जिससे वियतनाम वाद में एक गणराज्य बन गया। क्या हो गया? बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया, जिससे वियतनाम वाद में एक गणराज्य बन गया, ठीक है। अब हम लोग इसको उत्तर लिखते हैं, तो उत्तर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे उत्तर लिखे हैं, बाओदाई हिन चीन के अन्नाम का एक शासक था जो साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना नहीं चाहता था। उन्होंने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया तथा बाद में वियतनाम एक गणराज्य बन गया।
उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, बहुत ही अच्छे तरह से मैं आपको इसको समझाया हूँ। एक बार आओ मैं आपको समझा देता हूँ कि बायोदाई हीन चीन के अन्नाम का एक शासक था जो साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना नहीं चाहता था। उन्होंने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया तथा बाद में वियतनाम एक गणराज्य बन गया। इतना ईजी है, आप इसे याद भी कर सकते हैं, मात्र 2 लाइन में ही तो है। चलिए प्रश्न संख्या 3 में हमारा यहाँ पे प्रश्न है, हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। हम लोग से क्या पूछ रहा है, हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को जानेंगे और कुछ पॉइंट्स के जरिए ही हम लोग इसका इसी में से उत्तर ढूंढेंगे और लिखेंगे। आप लोग पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, खुद से भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आंसर ये बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट्स हमारा फर्स्ट है, हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, जिसमें से हिंद चीन का अर्थ वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के संयुक्त क्षेत्रों से लगाया जाता है। पहला पॉइंट हम लोग को याद रखना है क्या, कि हिंद चीन का अर्थ वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के संयुक्त क्षेत्रों से लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग को याद रखना है, हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ भी सकता है, हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ से निकलता है, उत्तर पूर्व में म्यांमार चीन है, दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग उत्तर लिखेंगे, तो पहले आप ध्यान से इसे जान लीजिए, उसके बाद वीडियो को रोककर और फिर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। देखिए हमारा हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, मैं उत्तर लिख लिया हूँ, हिंद चीन का अर्थ वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के संयुक्त क्षेत्रों से लगाया जाता है, इतना तो आपको पता ही है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां उत्तर पूर्व में म्यांमार चीन और दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र आते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। तो इसका आप आंसर लिख लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को रोककर लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। बहुत ही आसान सवाल जो कि ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है, जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। तो यहाँ पे पॉइंट्स हमारा 2 ही निकलेगा, पहला कि जिनेवा समझौता मई 1954 में हुआ था। अब किन के बीच हुआ था, तो वो भी लिख लिए हैं, सॉरी वो भी हम यहाँ पे लिख लिया हूं। देखिए क्या है, जिनेवा समझौता अमेरिका और वियतनामी साम्यवादियों के बीच हुआ था। बस ये 2 पॉइंट ही हम लोगों को पूछ रहा था कि जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। तो चलिए अब इसको हम लोग उत्तर लिख लेते हैं। तो जिनेवा समझौता मई 1954 में अमेरिका और वियतनामी साम्यवादियों के बीच हुआ था, इतना आपको लिखना है। चलिए इसको भी आप फट से लिख लीजिए वीडियो को रोककर। अगर जो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, जो कि प्रश्न हमारा है हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। अगर जो इसके पहले तक हम लोग अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में जाकर। देखिए बोल रहा है हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें, तो चलिए इसको हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को जानेंगे, उसी पॉइंट से हमारा उत्तर निकलेगा और उसी पॉइंट से हम लोग उत्तर को लिखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आता है, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करने के लिए बोल रहा है। तो हुआ हुआ आंदोलन में क्या क्या हुआ है उसको आपको बताना। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ हुआ हुआ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिखा हूँ कि हुआ हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। यह कैसा आंदोलन था, तो बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। कौन, हुआ हुआ आंदोलन। तीसरा हमारा है, इनके नेता ह्यूइनस फु सो था। कौन था, ह्यूइनस फु सो था। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इनमें शामिल क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। इनमें शामिल क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, किनमें, तो हुआ हुआ आंदोलन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इनमें आत्मदाह घटनाएं शामिल होती थी। आत्मदाह घटनाएं शामिल होती थी, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं, तो उत्तर लिख लीजिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए, उसके बाद इसको वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं या तो इसे पॉइंट्स के जरिए अपने से उत्तर को बना सकते हैं। देखिए बोल रहा है हुआ हुआ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था।
उनके नेता क्वींस फू सो था, इनमें शामिल क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, इनमें आत्मदाह घटनाएं शामिल होती थी। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से मतलब नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, अगर जो समझ में आया तो इस वीडियो को रोक लीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ। हुआ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था, यह एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, इनके नेता ह्वेन्स फू सो था, इनमें शामिल क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, इनमें आत्मदाह घटनाएं शामिल होती थी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरी प्रश्न का आंसर करेंगे। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।